हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 4 में मूविंग चार्जेस, द नेम ऑफ चैप्टर इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, राइट। तो अभी जो नए सिलेबस में आया है इसमें तो केवल साइक्लोट्रॉन हटाया गया है इसमें, और कुछ चीज़ें एक दो टॉपिक्स हैं जिनको जैसे टोराइड एंड सोलेनाइड को का डेरिवेशन हटा के उसको क्वालिटेटिव ओनली रखा है। क्वांटिटेटिव हटा दिया मीन्स डेरिवेशन उस पर न्यूमेरिकल नहीं आएगा चैप्टर। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, दैट इज चैप्टर नंबर 4। टिल नाउ वी हैव स्टडीड द स्टैटिक चार्जेस। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग ने स्टैटिक चार्जेस पढ़ा था। स्टैटिक चार्जेस के इफेक्ट क्या क्या होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ इंड्यूस करता है, तो ये स्टैटिक इफेक्ट पढ़ा था इसका हम लोगों ने। स्टैटिक चार्जेस क्या क्या इफेक्ट क्रिएट होते हैं। नाउ नेक्स्ट चैप्टर में उसके बाद हम लोग ने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कैसे इंड्यूज होता है, जब हम कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं किसी कंडक्टर के क्रॉस, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंड्यूस कर दें, तो उसमें एक करंट का फ्लो हो जाता है। मींस चार्जेस, जो चार्जेस हैं उस पर एक फोर्स लगता है, वो मूव कर जाते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, देन इट इज सेट टू बी द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, राइट। तो ये अभी तक हम लोग ने पढ़ा। नाउ अब इसके बाद इस चैप्टर ने हम ये पढ़ेंगे, तो अगर चार्ज मोशन में है तो उसका क्या क्या इफेक्ट होगा, क्या मैग्नेटिज्म इंड्यूस होगा उसके अराउंड। तो ये चीज़ ओरेस्टेड ने एक्सपेरिमेंट में प्रूव किया था कि अगर किसी भी कंडक्टर में करंट का फ्लो हम करा दें, सपोज़ ये कंडक्टर है इसमें करंट का फ्लो करा दें, तो इसके अराउंड अगर हम मैग्नेटिक नीडल ले आए, सपोज़ करो यहाँ पे एक मैग्नेटिक नीडल ले आए हम इस तरह से, ये एक मैग्नेटिक नीडल रख दिया, इसका एन पोल है, यहाँ पे एस पोल है, तो इसके इसमें डिफ्लेक्शन हो जाता है। तो ओरेस्टेड ने यही एक्सपेरिमेंट किया था, सिंपल सा एक सर्किट डायग्राम, एक यहाँ पे बैटरी लगा दिया, इसमें एक स्विच लगा दिया, यहाँ पे एक स्विच लगा दिया, फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक मैग्नेटिक कंपास ले आए, तो देखा कि इसमें करंट जब फ्लो स्विच ऑन करते हैं तो ये इसका डिफ्लेक्शन हो जाता है इस तरह से, सपोज हो गया ये नॉर्थ साउथ, ये टिल्ट कर गया इस तरह से, ये टिल्ट कर जा रहा है, राइट। तो ये चीज़ हो उन्होंने देखा इस एक्सपेरिमेंट में ओरेस्टेड ने, और इस एक्सपेरिमेंट कई सारे उन्होंने कंक्लूजन दिए कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इस मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट कर रहे हैं। मीन्स जो डिफ्लेक्शन है, फर्स्ट उन्होंने पाया कि जो डिफ्लेक्शन हो रहा है कितना एंगल ट्विस्ट हो रहा है, मीन्स जैसे ये मैग्नेटिक कंपास है, इसकी ये नीडल है सपोज, तो ये कितना डिग्री टिल्ट हो रहा है, नॉर्थ इस साइड लेफ्ट में हो रहा है या राइट में हो रहा है, कितना एंगल टिल्ट हो रहा है, तो ये किस पे डिपेंड करता है कि इसका एंगल ऑफ टिल्ट किस पे डिपेंड करता है। तो उन्होंने ये पाया कि ये इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू अगर हम बढ़ाते जाएं, आई की वैल्यू बढ़ाएंगे, तो हमारा इसमें डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा, उसको करा रहे हैं डिफ्लेक्शन कम हो रहा है करंट। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, उन्होंने जब करंट ज़ीरो किया, मीन स्विच को ऑफ कर दिया, के को ऑफ कर दिया, स्विच को ऑफ किया, तो देखा कि डिफ्लेक्शन ज़ीरो हो जा रहा है, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो जा रही थी अराउंड द कंडक्टर। तो सिंपल सा इसमें एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने जो अभी हम डिस्कस किए यही किया था ओरेस्टेड ने, और अक्सर डिस्कवर्ड दैट द कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर द करंट कैरिंग कंडक्टर, मींस डिफ्लेक्ट हो जाती है जब कंडक्टर के अराउंड ले आते हैं। दिस मीन्स दैट एन इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप्स अ मैग्नेटिक फील्ड इन द स्पेस अराउंड इट। इसका मतलब यह है करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर लेता है अराउंड इटसेल्फ, अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर लेता है। इट इज़ फाउंड दैट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर टू बी कॉन्सेंट्रिक सर्कल इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू कंडक्टर और वायर। तो इस लाइन का मतलब है जैसे ये कंडक्टर है तो इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बन रही है,
ठीक है, इस तरह से ढेर सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल होंगी, जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल और कंडक्टर दोनों हमेशा क्या होंगे, राइट एंगल पे होंगे। इधर अगर कंडक्टर है तो इसके परपेंडिकुलर कॉन्सेंट्रिक सर्कल होंगे, ये अलग अलग मैग्नीट्यूड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे होंगी, अलग अलग होंगी, राइट। तो द डिफ्लेक्शन इंक्रीजिंग ऑन इंक्रीजिंग द करंट और ब्रिंगिंग द कंपास। सेकेंड थिंग, अगर कंपास को अगर हम पास ले आए कंडक्टर के या करंट को इंक्रीज करें, दोनों केस में डिफ्लेक्शन, हमारा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इंक्रीज हो रहा है। अब उससे दूर ले जाएं या करंट को कम कर दें तो उसका, करंट को कम कर दें तो उसका मैग्नीट्यूड कम हो रहा था। और एक थर्ड जो लास्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है कि ऑन रिवर्सिंग द करंट, करंट को रिवर्स कर दिया, मीन्स करंट के डायरेक्शन सपोज इधर से इधर जा रही थी, लेफ्ट टू राइट है, और राइट टू लेफ्ट कर दिया, इधर से इधर कर दिया, तो डिफ्लेक्शन सपोज अगर राइट में है तो डिफ्लेक्शन बाद में लेफ्ट में हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स, द रिवर्स द ओरिएंटेशन ऑफ द नीडल। वही, अगर डिफ्लेक्शन यहाँ पे, जैसे नीडल सपोज ये कंपास नीडल है, ये इस तरह से अगर ये डिफ्लेक्शन इधर हो रहा था, अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे, करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे, डिफ्लेक्शन इस साइड हो जाएगा, मींस इस तरह से। तो करंट के रिवर्स करने पे डिफ्लेक्शन रिवर्स हो जाता है। तो ये है सिंपल सा ओस्टेड एक्सपेरिमेंट। इसको आप एनसीईआरटी में दिया हुआ डायग्राम बना के, सिंपल सा सर्किट डायग्राम दिया है, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी दिखाया गया है, तो आप उसको यहाँ से फिगर से भी देख सकते हो, राइट। नाउ अब बात आती है, जैसे हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है, वैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है ये चीज़ हमें समझना है। व्हाट इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन जो होती है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड इज अ स्पेस अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर और स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एक स्पेस होता है करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड या मैग्नेट के अराउंड एक स्पेस होता है, जिस स्पेस के अंदर हम मैग्नेटिक इफेक्ट फील कर सकते हैं। सपोज करो, अगर करंट, अभी जो ओस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया कि यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर कोई वायर गया है, उसमें करंट फ्लो हो रही है, आपने कंपास नीडल यहाँ पे ले आया, कंपास नीडल ला रहे हैं, तो ये क्या हो रही है, डिफ्लेक्ट हो जा रही है, ये नीडल में डिफ्लेक्शन हो रहा, थोड़ा बहुत दिखा रहा है, ठीक है। तो ये वही स्पेस है जहाँ तक आपको मीन्स डिफ्लेक्शन मिला, आप उसके दूर लेते जाइए आपको डिफ्लेक्शन कम होता जाएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा। तो ये वही रेंज हो गया स्पेस में, कितनी दूर तक इसका, वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड हो गई, राइट। अब नाउ द मैग्नेटिक फील्ड्स डिसअपीयर्स एज सून एज करंट इज स्विच्ड ऑफ और चार्ज स्टॉप मूविंग। वही चीज़ है, करंट आप स्विच ऑफ कर रहे हो या चार्ज को रोक दे रहे हो मूव करने से, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जा रही, या डिफ्लेक्शन क्या हो जा रहा, जीरो हो रहा है, इट मीन मैग्नेटिक इफेक्ट गायब हो जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डिसअपीयर्स, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जा रही, इट मीन्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक कंक्लूजन बता रहे हैं, इट मीन्स द मूविंग चार्जेस इज अ सोर्स ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। प्लीज नोट इट डाउन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हियर, रिमेंबर इट, द मूविंग चार्जेस इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन बताया जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, मीन्स मूविंग चार्जेस सोर्स होते हैं दोनों के, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, बट वो कैसे होने चाहिए, मूविंग। अगर चार्ज हमारे मूव कर रहे हैं तो वो क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं, करंट, और करंट जहाँ भी प्रोड्यूस होती है उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इसमें चार्ज क्यों फ्लो हो रहा है, यहाँ से मान लिया यहाँ गया तो करंट फ्लो हो गई, तो
तो ये क्या कर रहा है, करंट भी फ्लो कर रहा है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड हो गई। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं द मूविंग चार्जेस आर द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड दोनों, राइट। द नाउ फर्दर द मैग्नेटिक फील्ड डिनोटेड बाय द वेक्टर वी, मैग्नेटिक फील्ड को जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ए से डिनोट करते हैं वैसे मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करेंगे, वेक्टर वी। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसी को जो बी से डिनोट करेंगे इसी को बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड, MFI, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी MFD, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं, राइट। अब इसको चलिए किसी करेंट कंडक्टर के अराउंड कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए उसको डिस्कस करते हैं आगे। अब यहाँ पे हमने ये मान लिया है, कंसीडर अ पॉजिटिव चार्ज क्यू मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी विथ अ वेलोसिटी वी वेक्टर, लेट एंगल बी एंड वी इज थीटा। ये हमने यहाँ पे एक डायग्राम ले लिया है कि उसमें माना है कि ये आपका सपोज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है बी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर वेलोसिटी वेक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है इधर, इसमें वी वेलोसिटी से चार्ज हमारे मूव करने लगे। अब ये चार्ज जो क्यू है क्यू पे एक फोर्स लगता है, क्यू पे एक फोर्स लगता है, वो कौन लगा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है बी, इस मैग्नेटिक फील्ड बी की वजह से इस पे एक फोर्स लग रहा है। और फोर्स की वैल्यू किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है वो चीज़ यहाँ पे समझना है, फोर्स की वैल्यू किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक तो चार्ज, उन्होंने ये देखा कि एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ क्लियर हुई, जो फोर्स लग रहा था फोर्स ऑन द चार्ज, जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड, सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है इसमें चार्ज को हमने ऐसे मूव करा रहे हैं वी वेलोसिटी से थीटा एंगल पे, अब ये चार्ज जो चार्ज इसमें जा रहे हैं क्यू, अगर उसकी वैल्यू बढ़ा दिया तो इस पे जो फोर्स लग रहा था वो बढ़ गया, तो फर्स्ट कंक्लूजन। और दूसरा कंक्लूजन ये था कि जो इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट होंगे, एक फील्ड के अराउंड वी कॉस थीटा होगा, एक उसके फील्ड के परपेंडिकुलर। तो फर्स्ट फर्स्ट यहाँ पे कंक्लूजन में आया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, सेकेंड कंक्लूजन की वी साइन थीटा मीन्स साइन कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर के साइन कंपोनेंट के भी डायरेक्टली अगर इसकी वैल्यू हम समहाउ बढ़ाते जाएं, मीन्स थीटा की वैल्यू बढ़ाते जाएं, तो ये क्या देखा गया कि हमारा फोर्स इंक्रीज हो रहा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन में आ गया। नाउ अब अगर इन दोनों को अगर हम दोनों कंक्लूजन को एक साथ लिखें कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, एंड लास्ट थिंग दैट इज जो फोर्स आया थर्ड फैक्टर इज फोर्स इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड वैक्टर, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर हम इंक्रीज किए तब भी उस पर फोर्स ज़्यादा लगने लगा इलेक्ट्रिक चार्ज पे जो मैग्नेटिक फील्ड के मूव कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे इन तीनों फैक्टर्स को अगर हम एक साथ करें तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी साइन थीटा बी, ये आ गया हमारा। नाउ रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, एक कांस्टेंट इंड्यूस कर दिया, यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू 1 ले लिया हमने, तो ये आ गया क्यू वी बी साइन थीटा, एक फोर्स आ गया। जब भी किसी चार्ज को किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम मूव कराएंगे तो उस पर ऑलवेज दैट विल बी एक्सपीरियंस अ फोर्स, दैट फोर्स इज इक्वल टू एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये ऑलवेज होगा। तो यहाँ पे क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है, कन्फ्यूजन किस बात का होता है कि एक फॉर्म दो फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, फोर्स आई बी एल साइन थीटा, एक आगे पढ़ेंगे
ये फोर्स पढ़ते हैं क्यू वी बी साइन थीटा, एक फार्मूला हम लोग ने यहाँ पढ़ा है, एक आगे और पढ़ेंगे फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, इस चीज़ का ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक चार्ज को जब हम मूव कराते हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में उस पर कितना फोर्स लगता है उसकी वैल्यू है। ये कंडक्टर पे होता, आई बी एल साइन थीटा कंडक्टर पे होता है कि कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। दोनों में बहुत चेंज, बहुत डिफरेंस है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, कन्फ्यूज नहीं करना, क्योंकि आगे 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 आप कन्फ्यूज करते हो इस चीज़ को कि हमने मैग्नेटिक फोर्स का दो फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा यूज करना है, क्यू वी साइन थीटा या आई बी एल साइन थीटा। तो दोनों में ये डिफरेंस है, ये चार्ज पे होता है, ये कंडक्टर पे होता है, राइट। ओके, तो यहाँ पे अब इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं, क्यू तो हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी होता है, वी क्रॉस बी वेक्टर लिख सकते हैं। अगर फोर्स वेक्टर लिखें, मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू क्यू, कॉमन हमारा कॉमन हो गया, ये स्केलर क्वांटिटी है, वी वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस फील्ड वेक्टर, तो ये होता है, मीन्स इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है, वेलोसिटी वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर आर द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इज, मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड फैक्टर। अब इसकी डायरेक्शन आप समझ गए होंगे किधर लगेगा, क्योंकि आपने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है, क्रॉस प्रोडक्ट हमने बताया था ए क्रॉस बी वेक्टर है, ए क्रॉस बी वेक्टर है, सपोज सी वेक्टर है, सी की डायरेक्शन क्या होती है, अगर ए और बी सेम प्लेन में है, मान लिया इधर है ए हो गया वेक्टर, ये बी वेक्टर हो गया, तो इसके परपेंडिक अगर ऐसे ले रहे हैं ए क्रॉस बी, तो सी की डायरेक्शन इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, इन दोनों जिस प्लेन में भी लाई करेंगे उसके परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको समझ सकते हैं डायग्राम से, वाई के लॉन्ग हमने सॉरी आपका यहाँ पे बी वेक्टर हमने लिया, वाई के लॉन्ग बी वेक्टर लिया है यहाँ पे, मीन्स फील्ड वेक्टर। अब वी वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर को हमने एक्स वाई प्लेन में लिया है वी वेक्टर, ठीक है। अब वी क्रॉस बी मीन्स वी क्रॉस बी मतलब ऐसे इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज वी क्रॉस बी, अब इसके परपेंडिकुलर फोर्स वेक्टर इधर आएगा हमारा, ठीक है। तो ये सिंपल सा है, वही रूल जो हम लोग थंब रूल राइट जो थंब रूल पढ़ते हैं उससे कर सकते हैं, या स्क्रू रूल से भी बता सकते हैं, दैट इज़ वेरी सिंपल, 10th में भी आप पढ़ा है राइट। तो यहाँ से ये चीज़ रखना, याद रखना है कि एफ फोर्स वेक्टर इक्वल टू क्यू इन टू वी साइन थीटा और क्यू वी क्रॉस वी वेक्टर और क्यू वी साइन थीटा, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अगर हम डिफाइन करना चाहें फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को कैसे डिफाइन करेंगे, इफ़ वेलोसिटी इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड एंड द चार्ज इज इक्वल टू 1 कूलम एंड साइन थीटा की वैल्यू 1 ले लें, मीन्स 90 डिग्री, 1 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के राइट एंगल पे हम मूव करा दें फील्ड चार्ज को, तब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाई अ यूनिट चार्ज मूविंग विद द यूनिट वेलोसिटी परपेंडिकुलर और एट एन एंगल विद द बी वेक्टर, मीन्स कि जब भी हम किसी यूनिट चार्ज को, यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज को एक किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएं, किस एक यूनिट वेलोसिटी से मूव कराएं और 90 डिग्री पे मूव कराएं मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड के, तब उस पे जो भी फोर्स लग रहा होगा वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी, राइट। तो बहुत सिंपल है इसका, तो यहाँ पे यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट का ध्यान रखना है, यूनिट क्या होता है, SI यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला, दैट इज टी, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, आगे हम लोग भी पढ़ेंगे। एक और यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए, टेस्ला दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टेस्ला SI यूनिट होती है यहाँ पे, और कहीं कहीं बुक में आपको NCERT वगैरह में वेपर पर मीटर स्क्वायर होगा, इसको हम लोग आगे डिफाइन करेंगे, 1 टेस्ला इक्वल टू 1 वेपर मीटर स्क्वायर आगे भी आएगा अगले चैप्टर में। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं, बी इक्वल टू एफ वन क्यू वी
एफ की फोर्स की एम एल टी माइनस टू रख दिया, क्यू चार्ज की ए टी, वेलोसिटी की एल टी माइनस वन, सिंप्लीफाई कर लिया एम एल जीरो टी माइनस टू ए माइनस वन, ये आ गया राइट। तो यहाँ पे आ गया ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया राइट। नाउ स्पेशल केसेस चलिए डिस्कस कर लेते हैं, कैसे चार्ज को हम कैसे मूव कराएं तो कितना फोर्स लगेगा। ओके राइट, तो यहाँ पे देख सकते हैं व्हेन द चार्ज इज एट रेस्ट, चार्ज रेस्ट पे है, चार्ज मूव ही नहीं कर रहा तो उस पर फोर्स लगने का कोई मतलब ही नहीं है। अदरवाइज वेलोसिटी को जीरो कर दिया तो फोर्स जीरो हो गया। इट मीन्स नो फोर्स एक्ट ऑन अ चार्ज प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में कोई एक्सटर्नल चार्ज ला के रख देंगे तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। स्टेटिक चार्ज है मैग्नेटिक फील्ड में, कोई फोर्स नहीं, उसको मोशन में रहना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मोशन में है तभी लगेगा, अदरवाइज उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा राइट। सेकेंड केस लेते हैं यहाँ पे, व्हेन थीटा इक्वल टू जीरो, मीन्स ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, इसी की डायरेक्शन अगर हम मूव करा दें वेलोसिटी, इधर ही हम चार्ज को मूव करा दें, इधर करा दें या इसके अपोजिट करा दें, मैग्नेटिक फील्ड में ही उसके अपोजिट करा दें, मीन्स थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री कर दें और 180 डिग्री कर दें, तो दोनों केस में क्या होगा वो चीज़ यहाँ पे समझना है। तो क्यू एफ इक्वल टू क्यू वी साइन थीटा, वी बी साइन थीटा, साइन जीरो भी जीरो होता है, फोर जीरो एंड साइन 180 भी क्या होगा यहाँ पे जीरो होगा, मीन्स दोनों केस में चार्ज हमारा कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, दोनों केस में हमारा चार्ज क्या होगा कोई फोर्स एक्सपीरियंस, कोई मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा चार्ज पार्टिकल राइट। इट मीन्स दैट द चार्ज पार्टिकल मूविंग अलोंग और अपोजिट डायरेक्शन टू द मैग्नेटिक फील्ड डजेंट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, मीन्स कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करते हैं यहाँ पे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर राइट। ओके नाउ थर्ड केस लेते हैं, ये फोर्स की वैल्यू कब मैक्सिमम होंगे, थीटा इक्वल टू फॉर्मूले में रख दो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री इन साइन थीटा की वैल्यू 1, तो जो फोर्स मिलेगा क्यू वी बी दैट इज द मैक्सिमम फोर्स। तब मीन्स अगर ये फील्ड की डायरेक्शन है, इस 90 डिग्री पे हम वेलोसिटी चार्ज को मूव करा दें तो जो फोर्स लगेगा वो एफ की वैल्यू क्या होगी मैक्स होगी, वो कितनी होगी क्यू वी बी साइन थीटा, मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल इज क्यू वी बी। इट मीन्स दैट द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग अ लाइन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ द दिस फोर्स कैन बी डिटरमाइन द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और स्क्रू रूल, वट एवर यू कैन यूज। यहाँ पे इसकी डायरेक्शन आप समझ सकते हैं, ये इधर क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, इधर हमने वेलोसिटी वेक्टर बनाया हुआ, तो वी क्रॉस बी इसके राइट एंगल पे क्या होगा यहाँ पे आपका फोर्स की डायरेक्शन होगी। थंब रूल से आप निकाल सकते हैं या राइट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी निकाल सकते हैं। ओके अब मैग्नेटिक फील्ड अगर मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल कोई मूव कर रहा है, क्या उस वर्क कितना कर रहा है, ये चीज़ हमें निकालना है कि फोर्स ने कोई वर्क किया क्या चार्ज पार्टिकल पर, ये चीज़ हमें यहाँ पे निकालना है। द वर्क डन बाय द फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। अब फोर्स जीरो हुआ, अगर ये फोर्स लग रहा है उससे मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक चार्ज सॉरी चार्ज पे, इट मीन्स ये कोई वर्क कर रहा है, ये फोर्स कोई वर्क कर रहा है चार्ज पे, तो वो नहीं करता कोई वर्क, वो जीरो होता है, उसको मैथमेटिकली हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट्स, फोर्स अब डी ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसको डी टी से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे आ गया आपका डी टी। अब डी एस बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी वेक्टर, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी वेक्टर फील्ड वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट हो गया ये, क्योंकि यहाँ पे डॉट था, डॉट प्रोडक्ट होता है एफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है, वर्क डन होता है डॉट प्रोडक्ट, तो यहाँ पे एफ डॉट वी, अब दोनों क्या हैं एफ डॉट वी, दोनों वेक्टर क्या होंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर डॉट प्रोडक्ट अगर कोई वेक्टर 90 डिग्री पे एक इधर है दोनों का क्या होता है डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर
एट राइट एंगल और इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो उनका डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे क्या आ गया, वैसे आपने पढ़ा है डॉट प्रोडक्ट 11th में, तो यहाँ से आप बता सकते हो वर्क डन इज इक्वल टू जीरो, मीन्स कोई वर्क नहीं करता है इसका मतलब। अब बाई वर्क एनर्जी थ्योरम में आपने पढ़ा है वर्क डन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोई चेंज नहीं हुआ काइनेटिक एनर्जी में, वही का वही हुआ, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे ध्यान रखना है, चार्ज द वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, राइट। ओके, अब इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं, डायरेक्शन वही है आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से आपको निकालना है, इधर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, इधर वेलोसिटी वेक्टर है, तो उसके राइट एंगल पे क्या होगा आपका फोर्स वेक्टर होगा, मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर। अगर इसको रिवर्स कर दिया, इस तरह से कर दिया, इधर कर दिया फील्ड वेक्टर, इधर आपका मैग्नेटिक वेक्टर, अगर माइनस बी क्रॉस, मीन्स बी क्रॉस बी है तो अपवर्ड है, ऊपर की तरफ है आपका फोर्स वेक्टर, राइट। अगर इसको बी क्रॉस साइन चेंज कर दें, मीन्स ऑर्डर चेंज कर दें, तो आपको पता है माइनस साइन हो जाता है, इसका मतलब फोर्स नीचे की तरफ हो गया। तो ये हुआ आपका मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। नाउ एक टेस्ला को हम डिफाइन कर सकते हैं, आप यूनिट कैसे निकालेंगे एक टेस्ला, चार्ज को हम ऑन कूलम ले लिया, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, थीटा इक्वल टू ले लिया 90 डिग्री, तो फोर्स हो गया हमारा 1 न्यूटन। अगर फोर्स 1 न्यूटन लग रहा है तो इसको हम इसको 1 टेस्ला बोल सकते हैं, ठीक। तब इसकी डेफिनेशन है, आप इसको यहाँ पे लर्न कर सकते हो। दस द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट अ पॉइंट सेट टू बी 1 टेस्ला इफ द चार्ज ऑफ 1 कूलम वाइल मूविंग एट राइट एंगल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विथ अ वेलोसिटी 1 मीटर एक्सपीरियंसेस फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एट दैट पॉइंट। सिंपल से डेफिनेशन है, अगर 1 कूलम का चार्ज है 1 मीटर पर सेकेंड भी वेलोसिटी से राइट एंगल मैग्नेटिक फील्ड के मूव कर रहा है, तो वो अगर वो 1 न्यूटन फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा है तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुई होगी तो उसे 1 टेस्ला बोलेंगे। तो 1 टेस्ला का ये आता है, यहाँ पे न्यूमेरिकल रिलेशन आता है, आप इसको इस तरह से भी देख सकते हो, 1 टेस्ला इक्वल टू 1 न्यूटन पर एम्पीयर 1 मीटर, ये आपका रिलेशन आ गया इसमें। और एक चीज़ यहाँ पे नोट करना है आपको, स्टैटिक चार्ज आर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बट नॉट मैग्नेटिक फील्ड, स्टैटिक चार्ज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, वेयर एज द मूविंग चार्ज इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेटर हियर। अगर स्टेटिक चार्ज है दैट प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर रुका हुआ चार्ज है स्टेटिक चार्ज है तो केवल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, अगर मूविंग चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस कर सकता है, ये बहुत